टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। टिकटॉक स्टार होने के साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी की सरकार को ज्वाइन किया था और अब इनके दो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही वायरल हो रहे हैं। यहाँ हम सोनाली फोगाट के किसी टिकटॉक वीडियो की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो वीडियो वायरल हुआ है वो उनके राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन दोनों वीडियो में एक वीडियो में सोनाली फोगाट कर्मचारी को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरे वीडियो में तो हद तब हो गई जब सोनाली इसमें कर्मचारी को चप्पल से पीटती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों की माने तो ये वीडियो जिसमें सोनाली एक आदमी को चप्पल से पीट रही है वो बाल संबंध मंडी का वीडियो है और जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है वो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह हैं। किसी बात को लेकर सोनाली की सेक्रेटरी से बहस हो गई और रोष में आकर सोनाली ने सेक्रेटरी को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। आप वीडियो में देख और सुन सकते हैं कि सेक्रेटरी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहा है, बता रहा है कि उसने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है, लेकिन सोनाली उसे चप्पल से पीट रही है और कह रही हैं कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। वीडियो में सोनाली अपशब्दों का उपयोग करती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही चप्पलों से पीट कर जब उनका मन भर गया तो उन्होंने अपने आसपास खड़े लोगों को कहा कि इसके खिलाफ रिपोर्ट कराओ और कहना कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और अपशब्द कहे हैं। वीडियो में पुलिस वाला भी पास ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो तब रही जब नेत्री को ऐसा करते देख आसपास वाले लोगों ने ना उन्हें रोका, ना ही समझाने की कोशिश की और ना ही वहां खड़ा पुलिसकर्मी उन्हें कुछ कहता हुआ नजर आया। जहां तक बात करें सोनाली की तो वो टिकटॉक स्टार हैं, मॉडलिंग कर चुकी हैं और एक्टिंग करती हैं, हरियाणा के दूरदर्शन में भी काम कर चुकी हैं, साथ ही पिछले 12 सालों से राजनीति में अपनी पैठ जमाए हुए हैं। सोनाली की वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट लिखा है कि मार्केट कमेटी के सचिव को जानवरों की तरह पीट रही है ये नेत्री, क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है, क्या खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे, क्या मीडिया अभी चुप रहेगी। सोनाली का कहना है कि वो बचपन से ही समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन उनका इस तरह से एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.